हेलो गाइस, मैं उलीशा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यू न्यूज में। गाइस, आप देखते हैं कि हमारे देश में महिलाओं के लिए कुछ आरक्षित कानून बनाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को ज्यादा आरक्षण दिया जाता है। जब महिला और युवा की कोई घर पारिवारिक लड़ाई झगड़ा होता है तो उसमें ज्यादातर महिलाओं की सुनी जाती है। लड़की की चाहे गलती ना भी हो, लेकिन लड़की की सुनी जाने के बाद लड़की को ही ज्यादातर केसेस में सजा मिलती है। कुछ ऐसे मामला देखने को मिला है झांसा रोड फाटक पर, जहां एक लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया कि उक्त लड़का जिसको पकड़ा है उसने उनकी लड़की के साथ गाली गलौज की है। जबकि उस लड़की का कहना है कि उसने कोई गाली गलौज नहीं की, वो सिर्फ इस राह से गुजर रहा था। लेकिन लड़की के परिवार वालों ने ये कहकर उसकी पिटाई कर डाली, जबकि उसकी लड़की की कोई गलती नहीं थी। और वहीं पर मौके पर सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन लड़का अपनी बात पर अड़ा रहा। उसका यही कहना था कि उसने कोई गाली गलौज नहीं की है, वो सिर्फ उस पर इस तरह के इल्जाम लगा रहे हैं। तो गाइज, आप देख रहे हैं तो किस तरह से लड़की के लिए आरक्षित कानून बने हुए हैं। लड़की की कोई सुनवाई नहीं होती, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिनमें लड़की की सुनवाई होती है। गाइज, आपका क्या कहना है इन मामलों पर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।